छी। ठंड का आगाज हो गया है दोस्तों, और जो सर्दी है वो हर घर के अंदर एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन इसी ठंड के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ व्हिस्की के आज के हमारे एक और ठंड भरे एपिसोड के अंदर। लेकिन जो घर घर की समस्या, और जो स्टार्टिंग के अंदर ही मेरे को समस्या हुई, वो वाली दिक्कत हर घर में आपको मिल जाएगी। और दिक्कत है जुकाम की, खांसी की, सर्द की। मतलब अपन बाहर निकलते हैं, घर का जो टेम्परेचर है वो रहता है हॉट, और बाहर निकलते जो टेम्परेचर है वो ड्रास्टिकली डाउन होता है, तो हमें जुकाम तो लगनी है, ठंड तो लगनी है, कोल्ड तो लगनी है, और कफ एंड कोल्ड बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके अंदर रनिंग नोज की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा बहुत हेडेक रहता है, आईज से पानी आता रहता है, जो गला है वो ठीक नहीं रहता है, मतलब खरखराहट रहती है, इचिंग होती है, बहुत सारी समस्या होती है। होता क्या है, हम क्या करते हैं, सीधे जाते हैं डॉक्टर के पास, कंसल्ट करते हैं, लेकिन कई बार एंटीबायोटिक जो है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और जो घर के नुस्खे हैं, जो हमारे पुराने नुस्खे हैं, उनको हम चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि यार उनको हम आजमाएं, और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। दोस्तों मैं आज आप सब लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं रम के द्वारा, या तो एमसीडी रम आप ले लीजिए, या फिर ओल्ड मॉन्क रम, ये थोड़ी कम बची है, या फिर कोई भी रम आप ले सकते हैं, और आप इन दोनों रम या किसी भी रम के साथ इलाज कर सकते हैं आपके ठंड का। तो चलिए मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दे देता हूं, लेकिन हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए, उससे पहले हमें सबसे पहले तो देखिए रम चाहिए, उसके अलावा ये चिमटा आपको हर घर में मिल जाएगा, गैस बर्नर चाहिए, और उसके अलावा हमें एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन चाहिए। मिट्टी का बर्तन इसलिए चाहिए क्योंकि हम उसको करेंगे गर्म, गर्म करने के बाद उसमें डालेंगे रम, और रम पियेंगे आप लोग। तो चलिए बात तो मैंने बता दी है, क्यों ना जो लाइव डेमोंस्ट्रेशन है वो मैं आपको दे के बताऊं, ताकि आप आपके घर में इसको आजमा सकें। सर्दियां आ गई है, अभी दो तीन महीने और चलेगी, तो आपको आपके शरीर का, आपके घर वालों के शरीर का, सबके बच्चों का, सबका जो बॉडी है उसको मेंटेन रखनी है, ठंड से बचा के रखना है, और रम उसके अंदर कैसे कारगर है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। जैसा कि हमने ये जो मिट्टी का बर्तन है, छोटा सा मिट्टी का दीपक है, इसको गैस के ऊपर रख दिया है। सबसे ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जो ये दीपक है इसके अंदर तेल नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ऑयल को डाल के हम इसको गर्म करेंगे और उसके बाद जब इसको हम रम के साथ मिलाएंगे तो जो उसका टेस्ट है और जो थोड़ा बहुत चिकनाहट है वो चीज़ आ जाएगी, और अपने को उतनी कारगर चीज़ नहीं मिलेगी जो चाहिए, बिकॉज़ हमें थ्रोट भी सही करना है और ज़ुकाम भी ठीक करनी है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, अच्छे से इसको गर्म कर लें जब तक कि जो दीपक है ये पूरा मिट्टी का बर्तन लाल नहीं हो जाए। लाल होने का मतलब है कि अच्छी तरीके से ये पूरा जो बर्तन है, ये मिट्टी का दीपक है, ये गर्म हो गया है। ठीक है, तो ये जो गरम दीपक है, गरम जो मिट्टी का बर्तन है, वो हमने इस कांच के बॉल के अंदर डाल दिया है, और अब हम इसके अंदर जो रम है वो रम को पोर करेंगे। थर्टी टू 35 ml रम काफ़ी है, और जैसे ही आप इस रम को पोर करें इसको आप ढक दें। ढकने के पीछे रीज़न ये हैं दोस्तों कि जो गर्माहट है, जो हॉटनेस है, वो इसके अंदर बनी रहेगी, और ये जो रम है ये अच्छे से असर करेगी अंदर बॉडी के अंदर जाकर। 10 से 15 सेकंड तक हमको इसको ढक के रखना है, और उसके बाद इसको हटा के आप देख लीजिए कितना ज़्यादा स्मोक जो है वो स्मोक बन गया है। तो इस जो दीपक है, गर्म बर्तन है, उसको हम साइड में कर लेंगे, और उसके बाद ये जो गरम रम है, इस रम को हम जो 30 ml के आसपास है, इसको हम ग्लास के अंदर इस तरीके से डाल लेंगे। ठीक है, तो जो रम है वो रम मैंने मेरे ग्लास में डाल ली है, गरम है, हॉट है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा गरम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसको डायरेक्ट नीट पी जाना है। लेकिन आप बोलेंगे यार मतलब मैं इसके अंदर नोजिंग और टेस्टिंग का कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज हम कर रहे हैं इलाज, हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी इस रम में क्या चेंज आया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमने यूज़ किया था मिट्टी का बर्तन, वही सेंड का जो फ्रेगनेंस है, आरोमा है, वो इसके अंदर आ गया है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रम है
उसकी तासीर गर्म होती है। जो दीपक है, जो मिट्टी का बर्तन मैंने यूज़ किया है, उसकी भी तासीर गर्म होती है। दोनों को हमने मिला लिया है और अब हम इसको यूज़ करेंगे बॉडी को ट्रीट करने के लिए। एक चीज़ और है दोस्तों कि रम जो होती है वो थोड़ी बहुत हार्ड होती है, थोड़ी बहुत हार्श होती है, लेकिन ये चीज़ करने के बाद आप उसको मतलब 50% तो आप इसको इजीली ले पाएंगे, आपके जो थ्रोट है उसे इजीली नीचे ये उतर जाएगा। एक फ़ायदा तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों। सेकंड चीज़ ये है कि मैंने इन दोनों में से ओल्ड मॉन्क रम इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि ये रम मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा कारगर लगती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ ओल्ड मॉन्क रम ही है, आप चाहे तो जो मैकडॉल रम है या और कोई दूसरी ब्लैक जो रम है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस इलाज के लिए। तो ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसको आप चाहें तो गुनगुना जो पानी है, बहुत ही कम 40 या 50 ml पानी में 20 या 25 ml आप जो रम है उसको डाल के भी आप ले सकते हैं, तो वो भी आपको कारगर इलाज देगी। लेकिन सबसे कारगर इलाज जो मैंने आपको अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है वो है, और इसको लेना कब है, आप आराम से खाइए पिए, गार्गल करिए, बिकॉज जो गला है वो ख़राब हो जाता है ठंड के अंदर। अगर आपका गला ठीक है और सिर्फ आपकी रनिंग नोज ही है तो आप डायरेक्ट इसको खाना खाने के बाद 30 ml का पैग है इसको पीजिए। और पीने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपका जो ब्लैंकेट है, आपकी जो रजाई है, जो भी चीज़ आप रात को ओढ़ते हैं सोने से पहले, उसको आप ढकिए सिर तक और सो जाइए। और मॉर्निंग तक आप देखेंगे कि आपका जो जुखाम है, आपकी जो सर्द है, आपका जो कोल्ड है, आपका जो कफ है, वो दूर हो गया। पूरी तरीके से दूर नहीं होएगा, आपको एक या दो दिन ही करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, रात को आपको इजीली नींद आ जाएगी। तो आप चाहें तो ये वाला जो नुस्खा है वो ट्राई कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और जिन जिन लोगों ने इसको ट्राई करा है, इस वाले मेरे नुस्खे को ट्राई करा है, वो मुझे लिख के बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। और वीडियो अगर बहुत ही अच्छा लगा हो तो जो लाइक वाला बटन है ना यार, इसको दबा दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन इससे मुझे जो चीज़ मिलेगी वो कहते हैं बूस्ट, एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा मुझे, और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन प्यारे प्यारे शानदार वाले जो वीडियोज़ हैं वो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ही। तब तक चलिए चलता हूँ, जाने का टाइम हो गया, टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जल्द ही आऊँगा एक और विस्की रम बियर वोदका भरे एपिसोड के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना, चीयर्स एंड गुड बाय।